कोविड-19 की चपेट से जहां पूरी दुनिया परेशान है, वहीं एक्टर अनिरुद्ध दवे भी जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं। कोविड-19 पॉजिटिव होने की वजह से वो आईसीयू में एडमिट हैं। उनकी पत्नी शुभी ने लोगों से उनके लिए दुआ करने की गुजारिश की है। आइए जानते हैं अनिरुद्ध की जिंदगी के 10 बड़े सच। अनिरुद्ध का जन्म 21 जुलाई 1986 को देहरादून में हुआ। वो एक ब्राह्मण परिवार से हैं। अनिरुद्ध ने लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड शुभी आहूजा से नवंबर 2015 में शादी कर ली और 2021 में उनके घर आया नन्हा मेहमान, जिनका नाम उन्होंने अनिश्क रखा है। अनिरुद्ध अपनी फैमिली के साथ एक खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। अपने एक्टिंग करियर में अनिरुद्ध ने हर तरह के रोल निभाए हैं। सीरियल यारों का टशन में उन्होंने एक रोबोट की भूमिका निभाई, तो पटियाला बेब्स में इंस्पेक्टर हनुमान सिंह का किरदार निभाया। और भी कई किरदार से अनिरुद्ध ने फैंस के बीच अपनी छाप छोड़ी। अनिरुद्ध के एजुकेशन की बात करें तो वो एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं, पर बचपन से ही वो एक्टर बनना चाहते थे, इसलिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद अनिरुद्ध ने थिएटर ज्वाइन किया और वहां से उनका एक्टिंग करियर शुरू हुआ। कई सारी फिल्मों में काम करने के बाद अनिरुद्ध जल्द अक्षय कुमार स्टारर बेल बॉटम में नजर आने वाले हैं। कोविड-19 की वजह से जहां कई सारे सेलेब्स परेशान हैं, वहीं अनिरुद्ध भी इसकी चपेट में आए। अनिरुद्ध की हालत काफी नाजुक हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अनिरुद्ध भोपाल में अपने नए प्रोजेक्ट की शूटिंग कर रहे थे और उसी दौरान वो कोविड पॉजिटिव हुए और खुद को उन्होंने सेल्फ क्वारंटीन कर लिया, पर क्वारंटीन में उनकी हालत काफी बिगड़ गई और उन्हें इमरजेंसी में आईसीयू में एडमिट कराना पड़ा। अनिरुद्ध की वाइफ शुभी ने अनिरुद्ध के लिए काफी इमोशनल पोस्ट शेयर किया था और लोगों से उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआ की रिक्वेस्ट की। निया शर्मा, रोनित रॉय, विजेंद्र कुमेरिया के साथ कई टीवी सेलेब्स ने अनिरुद्ध की तबीयत को लेकर प्रार्थना की। खबरों के अनुसार अनिरुद्ध के लंग्स का 75% कोरोना संक्रमित हो गया, लेकिन अब वो पहले से काफी बेटर है। अनिरुद्ध एक बेहद स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। उनके फैंस की लिस्ट लंबी है। मीडिया में उनकी इमेज काफी क्लीन है। कभी किसी भी कंट्रोवर्सी का शिकार नहीं हुए हैं अनिरुद्ध। वो अपने अच्छे बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं। अपने हर किरदार से अनिरुद्ध ने अपनी अलग पहचान बनाई है। हम भी उम्मीद करते हैं कि अनिरुद्ध जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उनके परिवार के साथ साथ उनके फैंस भी उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं।